हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू, जो हेल्दी होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत आसान है। जनरली गोंद के लड्डू बनाते समय आखिरी में लड्डू नहीं बनते हैं। इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिस वजह से आप आखिरी तक लड्डू बहुत अच्छे से बना पाएंगे। और इस लड्डू के लिए मैंने लिया है गोंद, ये है 150 ग्राम। उसके अलावा ये है कमरकस। कमरकस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये है किशमिश 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम और ये है छुआरे, ये है 200 ग्राम। मखाने 100 ग्राम है, गुड़ आधा किलो है और आटा कटोरी से दो कटोरी है, वज़न में 250 ग्राम। उसके अलावा एक नारियल है, एक कटोरी घी है, हरी इलायची और एक जायफल। ये है सफ़ेद मिर्च, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। कलौंजी, खसखस और सूंठ, सूखा हुआ अदरक। सबसे पहले मैंने छुआरे को तोड़ के उसके बीज निकाले और उसे छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। सूंठ का पाउडर बना लिया है, गुड़ को भी तोड़ लिया है और सूखा नारियल इसको भी मैंने खींच लिया है। उसके अलावा मैंने तिल्ली यूज़ किया, जो आगे डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दिखा पाई थी, ये एक कटोरी है। सबसे पहले मैंने रखा है पैन, अभी पहले हम लोग सूखी चीज़ों को भून लेते हैं। मैंने डाला है सूखा खोबरा, डाल के इसे भून रही हूँ। अगर आपके पास सूखा खोबरा नहीं है तो आप डेसिकेटेड जो मार्केट में मिलता है घिसा हुआ, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये अच्छे से भून गया है, हमें धीमी आंच पे ही इसे भुनना है खुशबू आते तक। उसके बाद सेम उसी पैन में मैं डाल रही हूँ एक कटोरी तिल्ली, इसको भी धीमी आँच पर अच्छे से भुनना है। ये भी फ्राई हो गया। अब मैं भून रही हूँ कलौंजी, ये प्याज के बीज है, इसको भी मैं सेम उसी तरीके से भून रही हूँ। ये लड्डू में हम लोग एक्स्ट्रा घी भी नहीं डालेंगे और एक्स्ट्रा गुड़ भी नहीं डालेंगे, उसके बावजूद आखिरी तक हमारे लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं खसखस को भून रही हूँ। पहले हम लोग सारी ड्राई चीज़ों को भून लेते हैं, मतलब जिसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद हम लोग घी डाल के भूनेंगे। अब ये भी हो गया है। अब सेम उसी पैन में मैं डाल रही हूँ घी। घी डाल के सबसे पहले मैं इसमें छुआरे डाल रही हूँ, छुआरे को डाल के मैं भून रही हूँ। अगर आप चाहो तो पहले छुआरे का पाउडर बना के उसको भून सकते हैं या ऐसे पहले भून के उसका पाउडर बना सकते हैं, जो भी प्रोसीजर आपको इजी लगे उसको फॉलो करना। अब ये हो गया, इसको मैं निकाल रही हूँ और हाफ टी स्पून घी डाल के मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, किशमिश यूज़ किया है। ड्राई फ्रूट्स आप चाहो तो सूखा भी भून सकते हो, घी डाल के भी भून सकते हो, जैसे आपको पसंद है। और ड्राई फ्रूट आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, जो आपको पसंद है उसको ऐड करके क्वांटिटी बढ़ा या घटा भी सकते हो। अब ड्राई फ्रूट भी फ्राई हो गए, मैं इन्हें भी निकाल रही हूँ। निकाल के सेम इसी पैन में मैं फिर से घी डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा घी नहीं पसंद है तो आप फल्ली, मूंगफली का जो तेल होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी लड्डू अच्छे लगते हैं, अगर आपको घी नहीं पसंद है। अगर घी पसंद है तो आप घी का ही यूज़ करना, या फिर आप आधा घी आधा मूंगफली का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मखाने फ्राई हो गए, मैं इनको निकाल रही हूँ। निकाल के अब सेम उसी पैन में मैं फिर से घी डाल रही हूँ और हम लोग गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है, एक साथ नहीं फ्राई करना है, और मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। गोंद के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, स्पेशली विंटर में। ये हड्डियों को मजबूत रखता है, जिसको जॉइंट पेन है उनके लिए अच्छा है, जिनका न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उस मम्मी के लिए भी बहुत अच्छा है। अब गोंद को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करते हुए चलाते हुए इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं, देखो गोंद काफ़ी अच्छे से फूल गया, इस तरीके से फूलना चाहिए, और हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया है। और गोंद को हमें एकदम हाई फ्लेम पे भी नहीं फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये फूल तो जाएगा बट अंदर से कच्चा रहेगा। अब गोंद फ्राई हो गया है, मैं इसको निकाल रही हूँ। निकाल के सेम इसी तरीके से मैं पूरा गोंद फ्राई करूँगी। मैंने 150 ग्राम गोंद का यूज़ किया है। ये जो लड्डू है इसमें जो भी चीज़ें हम लोग डाल रहे हैं, सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सूखा नारियल। सूखा नारियल से शरीर तो स्ट्रांग बनता ही है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है, इसलिए इसे दिन में एक सुबह या शाम को ज़रूर खाना चाहिए। और इसमें जो भी सारी चीज़ें हम लोग डाल रहे हैं, सभी के फायदे बहुत ज़्यादा है। अब मैंने और घी डाला है, घी डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ कमरकस। जैसे कि नाम से ही आप जानते होंगे, इसमें ऐसे गुण होते हैं जो हमारे कमर को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। स्पेशली ये जो हर्ब है, ये लेडीज़ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिनको बैक पेन रहता है, जिनको जॉइंट पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए। और ये खाने से ठंड में हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, इसीलिए ये बच्चे बड़े सभी के लिए बेस्ट है। अब ये भी फ्राई हो गया और
मसाले की दुकान या जहाँ पे हम लोग हर्ब्स खरीदते हैं जड़ी बूटी, वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। अभी मैंने फिर से घी डाला है, घी डाल के अभी मैं आटा डाल रही हूँ। आटा यहाँ पे मैं 2 कटोरी डाल रही हूँ, वजन में ये 250 ग्राम है। आटा डाल के धीमी आंच पे इसे अच्छे से भुनना है। अगर आटा अच्छे से नहीं भुनेंगे तो लड्डू खाते समय ये मुँह में चिपकेगा। और आटे को धीमी आँच पर करीब मुझे इसे भुनने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है। और जब तक कि आटा भुनता है हम लोग बाकी चीज़ें देखते हैं। सारी चीज़ें फ्राई होके रेडी है, छुआरे, ड्राई फ्रूट्स, गोंद, कमरकस, सारी चीज़ें रेडी है, और तिल्ली और खसखस भी। इन सारी चीज़ों को हम लोग ग्राइंड करेंगे, पर उसके पहले हम लोग गोंद को क्रश कर लेते हैं। गोंद को क्रश करने के लिए इस तरीके से वेजिटेबल मैशर या फिर बेलन या फिर जिसे दाल घोटते उससे या हाथ से भी आप इसे मैश कर सकते हो, ये आसानी से मैश होगा। पर इसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड नहीं करना है, पाउडर नहीं करना है, जस्ट दरदरा करना है इस तरीके से। अब ये हो गया है, इसको साइड में रख के आटा देखते हैं। आटा भून रहा है, आटे में अभी मैं डाल रही हूँ किशमिश। किशमिश को मैंने पहले फ्राई नहीं किया था, इसको मैं आटे के साथ ही भून रही हूँ इस तरीके से। हमें किशमिश डायरेक्ट नहीं डालना है, डायरेक्ट डालेंगे तो लड्डू ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, इसलिए आटे के साथ ही उसे भूनना है। अब यहाँ पे अगर आपको आटा सूखा लग रहा है तो बाकी बचा हुआ घी डाल देना। यहाँ अभी मैंने पूरा 1 कटोरी घी का यूज़ कर लिया है। घी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, पर उसके पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सौंठ का पाउडर। सौंठ को मैंने दरदरा करके फिर मिक्सी में उसका फाइन पाउडर बना लिया है। ये 2 स्पून सौंठ का पाउडर है। सौंठ का पाउडर डाल के इसे हल्का सुनहरा या खुशबू आते तक फ्राई करेंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया, इसको मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल और गोंद के ऊपर डाल के। अब हम लोग बाकी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। अभी मैंने मिक्सी का जार लिया है, लेकर इसमें मैं छुआरे डाल रही हूँ। छुआरे डाल के इसको भी मैं दरदरा ग्राइंड करूँगी। इसको मैं फाइन पाउडर नहीं बना रही हूँ, मैंने सिर्फ दरदरा कर लिया है, करके इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। ऐसे ही वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अब ये हो गया, इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करके इसको भी हम लोग उसी में डालेंगे। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। अब ये भी हो गया, इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। डाल के अभी हम कमरकस और मखाने को फ्राई करेंगे। मखाने के भी बहुत फ़ायदे हैं। मखाने खाने से दिमाग का तनाव ठीक होता है, इससे जोड़ों का दर्द ठीक होता है, इसमें मीठेपन की कमी होती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अभी मैंने इसमें डाला है कमरकस और मखाने, इसको भी मैं फाइन पाउडर कर रही हूँ। करके इसको भी मैं सेम उसी चीज़ में डाल रही हूँ। डाल के अभी हम लोग ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले तिल्ली और कलौंजी को हम लोग ग्राइंड करेंगे। भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे डिप्रेशन और तनाव तो कम होता ही है, साथ ही ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, और कलौंजी में भी वज़न कम करने के लिए डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब ये भी ग्राइंड हो गया, मैं इसको भी निकाल रही हूँ। निकाल कर अभी हम लोग खसखस और बाकी सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। लड्डू बनाकर 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, 1.5 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। अभी मैंने डाला है खसखस, उसके बाद इसी में मैं डाल रही हूँ इलायची और जायफल। खसखस और इलायची के फ़ायदे तो है ही, जायफल को तो औषधि गुणों का खान माना जाता है, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके। उसके अलावा यह है सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च के भी बहुत फ़ायदे, विंटर में जैसे सर्दी खांसी जुकाम हुआ उसके लिए बहुत अच्छा है, पेट की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अच्छा है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप उसकी जगह काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम लोग इतनी ज़्यादा हेल्दी चीज़ें डाल रहे हैं, इसीलिए ये हेल्दी तो है ही, साथ ही साथ स्वाद में भी बहुत अच्छा है, बस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई, अब हम लोग गुड़ को मेल्ट करेंगे। मैंने 1 टीस्पून और घी डाला है, डाल के इसमें मैं गुड़ को डाल रही हूँ। गुड़ को मैंने पहले ही क्रश कर लिया, ये 1/2 किलो गुड़ है। गुड़ डाल के इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस इसको मेल्ट करना है। गैस का फ्लेम स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पे ही धीमी आँच पे इसी तरह चलाते हुए मेल्ट करना है। जब गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, उसके बाद हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, और ना ही मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ किया। अगर आप घी नहीं डालोगे तो 2 टीस्पून पानी डालना, ताकि ये कढ़ाई में गुड़ ना लगे। अब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है, इसको मैं डाल रही हूँ हमारे लड्डू के मिश्रण के ऊपर। मैंने बिल्कुल भी चाशनी नहीं बनाई है, सिर्फ गुड़ को मैंने मेल्ट किया है, और उतना ही हमें करना है। करके अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये काफ़ी गर्म है, जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद इसको हम लोग हाथ से मिक्स करेंगे, मतलब जब हाथ से हैंडल करने लायक हो जाएगा तब। इस तरीके से मिलाने से गुड़ और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे।
और जब ये थोड़ा गर्म रहेगा तभी हम लोग लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से तो लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे, तो उसका भी एक ट्रिक है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं लड्डू बना रही हूँ और लड्डू बनाते समय आप किसी की मदद लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं लड्डू बना रही हूँ, लड्डू बनाने में आसानी हो रही है, पर जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद लड्डू नहीं बन पाएंगे। जब ठंडा होता है तो लोग जनरली या तो घी गर्म करके डालते हैं या फिर और थोड़ा सा चाशनी डालते हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे हम बिना और घी या गुड़ डाले आसानी से लड्डू बनाएंगे। उसके लिए जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, लड्डू नहीं बन पाएंगे, उस समय मिक्सी का जार लेके उसमें थोड़ा सा इसका मिश्रण डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल के मिक्सी में इसको हल्का सा घुमाना है एक दो सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, जस्ट ऐसा हल्का एक दो राउंड करना है। ऐसा करने से ये जो बैटर है वो गर्म हो जाएगा और घी भी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और गुड़ भी, और लड्डू बनाने में आसान हो जाएंगे। यही एक ईजी ट्रिक है। अब आप देखिए ग्राइंड करने के बाद इसके लड्डू और भी ज़्यादा आसान हो रहे हैं बनाने में। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा लेके हमें ग्राइंड करना है और लड्डू बांधना है। हाँ, पर अगर आपसे इजीली लड्डू बन पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे ही करना, जब नहीं बन पाएंगे तब आप ये ट्रिक यूज़ करना। अब पूरे लड्डू बन गए, आप देख सकते हैं पूरे लड्डू एकदम आसानी से बने हैं और बनाने में कोई परेशानी भी नहीं हो गई। अभी मैं लास्ट वाला लड्डू भी बना रही हूँ। लास्ट वाला लड्डू भी उतनी आसानी से बना है जितना कि पहले बना है। अब सारे लड्डू बन गए हैं, अब आप भी ये टेस्टी और हेल्दी लड्डू ज़रूर बनाइए। और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।